टुडे दिस लेक्चर लूम क्लासिफिकेशन। लूम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल जिसमें शटल का यूज़ किया जाता है, एक होता है अनकन्वेंशनल जिसमें शटल का यूज़ नहीं किया जाता है, जिसे हम शटल लेस के नाम से भी जानते हैं। कन्वेंशनल में दो टाइप्स के लूम आते हैं, एक होता है हैंड लूम, दूसरा होता है पावर लूम। पावर लूम में वेब थ्रेड को इंसर्ट कराने के लिए दो टाइप्स के मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, पहला होता है अंडर पीक लूम, दूसरा होता है ओवर पीक लूम। अनकन्वेंशनल लूम में दो टाइप्स के लूम आते हैं, पहला होता है मैकेनिकल लूम, दूसरा होता है फ्लूइड लूम। मैकेनिकल लूम में भी दो टाइप्स के लूम आते हैं, पहला होता है प्रोजेक्टाइल लूम, दूसरा होता है रैपियर लूम। फ्लूइड लूम में भी दो टाइप्स के लूम आते हैं, एक होता है एयर जेट लूम, दूसरा होता है वाटर जेट लूम। अब बात करेंगे वीव मशीन के विषय में। वीव मशीन दो टाइप्स पर हमारी वर्क करती है, पहली वीव मशीन जो वर्क करती है सिंगल फेस की होती है, और दूसरी जो होती है वर्क करती है वो होती है मल्टी फेस की। सिंगल फेस में भी दो टाइप्स के पर हमारे वर्क करते हैं, पहला होता है शटल, दूसरा होता है शटल लेस। शटल में तीन टाइप के हमारे लूम आते हैं, हैंड लूम, पावर लूम, ऑटोमेटिक लूम। ऑटोमेटिक लूम हमारी दो टाइप्स पर हमारी वर्क करती है, शटल चेंजर, पर्न चेंजर। इसमें शटल या फिर पर्न ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अब बात करेंगे शटल लेस की। शटल लेस में भी तीन टाइप के लूम आते हैं, पहला होता है प्रोजेक्टाइल लूम, दूसरा होता है रैपियर लूम, तीसरा होता है जेट। जेड में भी दो टाइप्स के लूम आते हैं, एक होता है वाटर जेड लूम, दूसरा होता है एयर जेड लूम। प्रोजेक्टाइल लूम में वेब थ्रेड को इंसर्ट कराने के लिए एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसे सिंगल मल्टीपल के नाम से जानते हैं। रैपियर लूम में तीन टाइप्स से हमारे वेब थ्रेड को इंसर्ट कराते हैं, पहला होता है सिंगल डबल, दूसरा होता है फ्लैक्सिबल डबल, तीसरा होता है टेलीस्कोपिक। वाटर जेट में भी वेव थ्रेड को इंसर्ट कराने के लिए दो टाइप्स के हमारे मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, पहला होता है सिंगल जेट मेन नोजल, दूसरा होता है मल्टी जेट मेन सब नोजल। मल्टी फेस की बात करेंगे, मल्टी फेस में भी दो टाइप्स पर हमारी वर्क करती है, पहली जो होती है वार वीव, दूसरी होती है फिलिंग वीव। फिलिंग वीव भी हमारा दो टाइप्स के मैकेनिज्म इसमें यूज़ किया जाता है, पहला होता है सर्कुलर, दूसरा होता है फ्लैट। अब बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन के विषय में। ये तीन टाइप का होता है, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, एक्सिलरी मोशन, टर्शरी मोशन कहते हैं इसे। टर्शरी मोशन एक्सिलरी मोशन को टर्शरी मोशन के नाम से हम जानते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ प्राइमरी मोशन के विषय में। प्राइमरी मोशन भी तीन टाइप पर हमारी वर्क करती है, पहली होती है शेडिंग, दूसरी होती है पीकिंग, तीसरी होती है बीटअप। प्राइमरी मोशन जो होता है वो हमारा वीव जो इंटरलेसमेंट का जो प्रोसेस होता है इन तीनों के थ्रू हमारा वर्क करता है, जिसे हम प्राइमरी मोशन के नाम से जानते हैं।